नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिंह सुपर हिट एक ओल्ड सॉन्ग परदेसी या ये सच है भैया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। तो इस गाने को सेंगे आज के जुड़ में, और इस गाने का जो लाइनिंग है मैं एकदम आपको बिगिनर की तरह बताऊंगा ताकि आप लोग इस गाने को एकदम आसान तरीके सीख पाए। तो सबसे पहले इस गाने की जो स्टार्टिंग मुझे म्यूजिक लर्निंग था फुलेट का, उसको देखते हैं। तो फुलेट का जो म्यूजिक लर्निंग है आपको एक ही लर्निंग को एक ही जैसा दो बार लेना है। तो फुलेट का म्यूजिक पहला लर्निंग कुछ स्टेप से है, इस म्यूजिक लाइन को मैं आपको और एक बार बता देता हूँ आपको एकदम आसान तरीके से। तो आपको देखिए, आपको कुछ स्टेप से लेना है, आपको थोड़ा फास्ट करके लेना है स्टेप से, क्लियर। तो अब हम सीखते हैं इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है उसको सीखते हैं। तो इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है गिटार का है, तो गिटार का जो म्यूजिक लाइनिंग आपको देखिए कुछ स्टेप से लेना है, तो इसी गिटार म्यूजिक लाइन को इस बार आपको स्ट्रिंग टोन में प्ले करना है। सिर्फ आपको इस म्यूजिक लाइन को चेंज करना है, देखिए इस म्यूजिक लाइन को चेंज करना है। उसके बाद में आपको वापस से जो गिटार वाला म्यूजिक लाइन था उसको चेंज पहले वाला प्ले करना है स्टेप से। क्लियर। अब हम सीखते हैं इसका आगे की जो लाइनिंग उसको सीखते हैं। इसका आगे की जो लाइनिंग है देखिए कुछ स्टेप से है, इसके बाद में और एक बार कर, क्लियर। अब सुनोगे इसके बाद में थोड़ा सा बीच में अलाप लाइन है, तो उस अलाप लाइन को आपको कुछ ऑप्शन है। उसके बाद में गाने का मुखर लाइन शुरुआत, उसको मुखर लाइन देखिए गाने का पहला लाइन को परदेसिया, सिर्फ एक दो तीन चार, आपको सिर्फ चार के ऊपर स्टेप से ले रहा है, क्लियर पहला। अब सीखते हैं मुखर की जो सेकंड लाइनिंग उसको सीखते हैं, ये सच है पिया, देखिए ये सच है पिया कुछ तरफ से, क्लियर। तो मैं अलालाप का लाइनिंग और मुखर का पहला और सेकंड लाइन इन तीनों लाइनिंग को आपको एक बार एक साथ समझाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरह समझ पाए। तो अलाप का जो पहला लाइनिंग देखिए आपको सिर्फ एक ही की ऊपर क्लियर करना है स्टेप से। आप सीखते हैं मुखर का पहला लाइनिंग को, आप सीखते हैं मुखर का सेकंड लाइनिंग को, क्लियर। तो मैंने एक साथ में तीन लाइन को एकदम आसान तरीके से समझा दिया है। अब हम सीखते हैं मुखरे का जो थर्ड नंबर लाइनिंग उसको सीखते हैं। तो थर्ड कुछ तरफ से, तो मुखरे का जो थर्ड नंबर लाइनिंग आपको और एक बोलना है, तो कुछ तरफ से देखिए एकदम स्लो मोशन में, क्लियर। तो आई होप आप लोग मुखरे का जो लाइनिंग है और म्यूजिक लाइनिंग एकदम आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम सीखते हैं इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है और जो अंतर लाइनिंग उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले म्यूजिक लाइनिंग और अंतर लाइनिंग को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में एकदम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप तुरंत सीखेंगे। तो पहले आइए कुछ स्टेप से क्लियर कर लेते हैं, क्लियर।
तो सीखते हैं इस म्यूजिक लाइनिंग को और अंतरक लाइनिंग को। तो पहले जो म्यूजिक लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो म्यूजिक का जो पहला भाग देखिए, आपको कुछ रफ से लेना है, पूरा म्यूजिक का पहला लाइनिंग क्लियर। आप सीखते हैं म्यूजिक का जो सेकंड लाइनिंग उसको सीखते हैं। तो सेकंड लाइनिंग कुछ रफ से, तो म्यूजिक का सेकंड लाइनिंग भी क्लियर। अब हम सीखते हैं इसका आगे का जो लाइनिंग म्यूजिक का उसको सीखते हैं। तो इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग स्ट्रिंग का है तो कुछ रफ से, और एक बार। तो इस म्यूजिक लाइन को आपको एक ही लाइनिंग को एक ही जैसा दो बार लेना है, स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग को। तो कुछ रफ से है, क्लियर। अब हम सीखते हैं इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग उसको सीखते हैं। तो इसके आगे म्यूजिक लाइन है फ्लूट का, तो फ्लूट म्यूजिक लाइन कुछ रफ से है, क्लियर। पहला भाग, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, चौथा देखिए, क्लियर। अब सीखते हैं जो लास्ट म्यूजिक लाइनिंग स्ट्रिंग का है उसको सीखते हैं। तो स्ट्रिंग म्यूजिक कुछ रफ से है, थर्ड में। तो जो लास्ट स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग आपको तीन बार लाना है एक ही लाइनिंग को, आपको जो लास्ट वाला लाइन है उसको चेंज कर लेना है, और पहला और सेकंड इन दोनों लाइन को एक साथ में लेना है। तो देखिए कुछ रफ से, इसी लाइन को और एक बार, इस बार आपको चेंज कर लेना है कुछ रफ से। ये गुमरा अंतरा से पहले जो म्यूजिक लाइनिंग थे एकदम क्लियर। अब हम सीखते हैं इस गाने का जो अंतरा लाइनिंग उसको सीखते हैं। तो अंतरा का जो पहला लाइनिंग देखिए, आपको कुछ रफ से लेना है, क्लियर पहला लाइनिंग। इस बार सेकंड देखिए, क्लियर। तो इन्हीं दोनों लाइन को और एक बार देखिए एकदम आसान तरीके से। तो पहले पहला देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड, अब सीखते हैं इसका आगे जो गाने की लाइनिंग है, कुछ जब से, इसका आगे लाइन, तो देखिए जो चौथा में लाइनिंग आपको एक ही लाइनिंग को एक जैसे दोबारा स्टेप से, उसके अंदर पांचवा लाइन स्टेप से, पांचवा लाइन, क्लियर। अब सुनेंगे इसके बीच में थोड़ा सा फ्लूट का म्यूजिक लाइनिंग है, तो उस फ्लूट म्यूजिक लाइन को आपको कुछ स्टेप से लाना, देखिए स्टेप से। इसके बाद आपको वापस से मुगरे का पहला और सेकंड और थर्ड लाइन को प्ले कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस गाने का जितना भी लाइनिंग था मैंने सारे लाइनिंग को एकदम आसान तरीके से समझा दिया है। अगर आप लोगों को कोई लाइन नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।